जय मिथिला, हम सरोज अहाँ सब लोगन के मिथिला तक न्यूज में स्वागत करै छी। मधुबनी नगर निगम में जहिना मेयर पद के सरगर्मी तेज है, तहिना डिप्टी मेयर के सेहो सरगर्मी तेज है। डिप्टी मेयर पद के भी कतेको लोकन दावेदारी ठोक रहल छथि। वह दावेदारी में एकटा बाबू सिंह छथि जे ओ पंचायत के मुखिया छले था, हिनकर पंचायत जे छै से अखन नया नया में नगर निगम में इंक्लूड कयल गेलन है। तो ई डिप्टी मेयर के पद के उम्मीदवार छथि, ई अपना आप के घोषित कयले था। आओ हिनका से हम बात करी जे हिनकर वार्ड अखन नया में इंक्लूड कयल नगर निगम में। सबसे पहले तो अपने एक छोट छीन परिचय दो दियो आ मिथिला तक न्यूज में स्वागत। धन्यवाद सरोज जी। सबसे पहले हम अहाँ के चैनल मिथिला न्यूज के धन्यवाद दै छियन दिल से, हृदय से, कि हमरो जका छोट कार्यकर्ता के अहाँ सब बुझलो यहाँ तक आकर हमर इंटरव्यू ले लें, ते लिए अहाँ के कोटि कोटि धन्यवाद। साथ ही हम रत्नेश्वर दास उर्फ बब्बू सिंह, वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि पर पंचायत पूर्ण रूप से विस्तारित नगर निगम के में शामिल भेला। हम एकटा छोट छीन पद डिप्टी मेयर उप मेयर के पद पर अपन उम्मीदवारी दऽ रहल छी। सब जगह जे अभी नया नया क्षेत्र पंचायत के जे जुड़लै यऽ मधुबनी शहर में, जेना भौवारा, सप्ता, भच्ची, जितवारपुर, मारैर, राँटी, मंगरौनी, पेलवार, एहि सब जगह के हम दौरा कऽ रहल छी। सब जगह से हमरा आशीर्वाद भेट रहल अछि, लोक कहि रहल छथि जे एहि पद के लेल अहाँ से नीक उम्मीदवार कोई नहि, लोग हमर काम के सराहना कऽ रहल छथि। तऽ अपने मुखिया पद पर अपने जे जनता के देबा के छलै सेवा से देलिए, फिर नगर परिषद में जे विकास नहि भेल, जे आब नगर निगम में उत्क्रमित भेलै, तऽ की अपने मधुबनी में कमी देख रहल छै जे अहाँ के लागल जे नहि बाबू सिंह अगर डिप्टी मेयर में ठाढ़ होइ छथिन, अगर जीतै छथिन तऽ बाबू सिंह वाला समस्या जे छै तकर समाधान करथिन? देखियौ, निश्चित रूप से एहि चीज के कमी छै कि देखू, नगर निगम जे बनलै अहाँ के कहीं ना कहीं पर्यटक स्थल के नाम पर एकरा नगर निगम बनायल गेलै यऽ। तऽ जे उद्देश्य से एकरा नगर निगम बनायल गेलै हँ, पर्यटक स्थल तभी होते जब ओकरा स्वच्छ रखबै, सुंदर रखबै, तभी जाके होइ छै। तऽ एहि चीज पर ज्यादा फोकस रहते। पानी के जे समस्या छै, जे कुछ कमी रहलै नगर परिषद में कि सात निश्चय के जल नल योजना कहीं कहीं हुनका सबसे नहि भेलनि, एहि पर हमर ज्यादा फोकस रहत। छओ महीना के अंदर, साल भर के अंदर एहि चीज के दूर कऽ देबनि हम। आओर केना एकरा कयल जाइ छै, हमरा सबके तरीका आबै कि धरातल पर केना मिशन मोड के द्वारा एकरा चलायल जेतै। स्वच्छ मंदिरी मधुबनी, सुंदर मधुबनी तभी होते जब अहाँ ओहि दिशा में काम करबै। नाला तो बनि रहल छै दोनों तरफ, लेकिन ओकरा ठीक ढंग से नहीं चल रहल छै, नाला के पानी आखिर गिरतै कतय? और मेन नाला से जब तक अहाँ जते भी कॉलोनी के नाला बनि रहल छै ओकरा मेन नाला से अटैच करऽ पड़त, तभी अहाँ पानी निकासी करबै। नहीं तो पानी अहाँ के वहीं पर रहि जायत, रोडे पर रहि जायत। नाला रोड से हाइट पर छै, ओकरा देखऽ पड़तै, जो रोड के भी अहाँ के ओहि लेवल में लाबऽ पड़त। जहाँ तहाँ कूड़ेदान के व्यवस्था कयल गेल रहै, लेकिन आइ के डेट में कहाँ चल गेलै, फेंका गेलै या कुछ भी भेलै, लोगों के जागरूक करऽ पड़तनि कि एकरा सुंदर और स्वच्छ रखे लगी। अहाँ के जे कूड़ेदान छै ओहिमे अहाँ अपन कचरा के डालियौ, कचरा वाला भी आबि रहल छथि, हुनका तक अहाँ अपन कचरा के डालि कऽ अपना आगे भी अगर रोड है तो ओकरो पर अगर ई नहि देखियौ कि सबटा चीज इएह कहत, अगर हमरा घर के सामने अगर कुछ दूर के रोड छै, सुबह में टहले लगे कनी अपनो लगा लेब, सुंदर रख, अगर दरवाजा के सामने रोड है तो कनी अपनो साफ कर लेबै तऽ सही रहै। जे नगर निगम के जे कर्मचारी छथि, जे भी छथि स्वच्छताकर्मी सब, ओ सब तऽ लागले छथि दिन राति अहाँके घर से आकर कचरा उठेता। एहि सब चीज पर ज्यादा देल जेतै जे हुनका डोर टू डोर कचरा उठै। साथ में यहाँ खेल के मैदान लगी, बच्चा सब जे पार्क जता घूमे लगी, ई पार्क के व्यवस्था नहि छै। जे भी पार्क एगो छलै ओहिमे देखै छलियै बड़ा कचरा छै, तऽ ओकरा कनी सुन्दर ढंग से बनानाइ। शौचालय के निर्माण, महिला सब बाहर से अबै छथि, हुनका सबके शौचालय के दिक्कत छनि, ओहि पर ज्यादा फोकस रहतै कि ई कते जल्दी से जल्द बने, जे ओ जे बाहर से आबि रहल छथि हुनको एहि चीज के दिक्कत नहि होइ। अच्छा, जे क्षेत्र जे छै से ग्रामीण जे क्षेत्र छै ओ आब शहरीकरण में देल गेलै यऽ, लेकिन हम सब बहुत एहन वार्ड में घुमलिए आओर ओहने वार्ड में घुमलिए जतय मुखिया के द्वारा जे इंदिरा आवास देल गेल छै, लेकिन बहुत जगह एहन जे छै से इंदिरा आवास नहि देल गेल छै। ओ पंचायत सब जे छै से अहाँके ओतय पक्का के मकान नहि बनल छै आ ओकरा इंक्लूड कयल गेलै यऽ। तऽ अपने के मुखिया छियै आ एगो मुखिया के द्वारा कोनो ने कोनो पंचायत में कतौ ने कतौ नहि देल गेलै यऽ, तऽ अहाँके ई कमी कतय बुझा रहल? देखियौ, सबसे पहला बात छै कि जे तीन चीज छलै जे डायरेक्ट मुखिया से जुड़ाव होइ छै जनता के, ओहिमे होइ छै अहाँके सबसे जेना इंदिरा आवास, शौचालय आ दोसर राशन। ई तीन चीज जे होइ छै से डायरेक्ट मुखिया और जनता के बीच के जुड़ाव के चीज है। अहाँ देखलियै कि तीन गो चीज में बहुत सारा चीज के ओहिमे लगाएल गेलै पदाधिकारी कर्मचारीगण के। अहाँ इंदिरा आवास के जे सूची छै ओ 2011 के सेख डाटा पर बनाएल गेलै, और सेख डाटा जो ओहि समय में बनलै 2011 में, ई कतौ कहै में हिचक किनको नहि होतनि कि ओ डाटा जे बनाएल गेलै कहीं ना कहीं जे भी सरकार के द्वारा कर्मचारी जो नियुक्त कयल गेल छलै ओ डोर टू डोर घूम के नहि बनेलखिन।
ओ हम किनको दलान पर किनको दलान पर बैस कर और पूरा एरिया के लिख ले तो जे भी कुछ चले जे सही में इंदिरा आवास के हकदार है ऐसा अहाँ के बहुत सारा लोग के वही सेक डाटा में नाम नहीं आ जे सम्पन्न लोग हर नाम है सरकार निकाल लेकिन अहाँ आम सभा लगा के एक छाँटियो आ ई करू लोग ओहि पर दिशा में नहीं काम कल कि कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि चाहि रहल होते कि हम हिनकर नाम अगर छाँटि दै छियै तऽ ओ हमर खिलाफ भऽ जेतै हुनकर भऽ जेतै आओर जे हुनकर कर्मचारी छलनि ओहो छाँटे लागि तैयार नहि भेलै ओहि परिस्थितिमे बहुत सारा गरीब लोगके सेक डाटामे नाम नहि रहैके कारण पञ्चायत स्तर पर हुनका इंदिरा आवास के लाभ अभी तक नहि भेटलनि हमरे सबमे जब ओकर फेर से भेलै कि सर्वे करू सर्वे कराकऽ 349 आदमीके हमसब अपना पञ्चायतमे लोड छियै करा देलै लेकिन हमर पञ्चायत समय से पहले नगर निगम के हिस्सा बन गेलै जाहिके कारण सभी योजना पर सब तरह के क्रियान्वयन पर रोक लगा देल गेलै जाहिके कारण 349 आदमी के नहि भेट पेलनि आब एहि चुनाव के बाद हमर सबके कोशिश रहतै कि हरेक पंचायत से जे डाटा एंट्री भेल छै नया ओहि पर काम कयल जाय आ ओकरा इंदिरा आवास के लाभ जल्द से जल्द मिले या सिस्टम शायद नगरो निगम में छलै कि सेक डाटा में नहि छलै या हुनकर सबके लै जाइल छलै नाम ओहिमे तऽ बड़ा चीज देखलियै कि जे कहाँ कहाँ के नाम पर आदमी के नाम पर पैसा चलि गेलै बहुत तरह के जाँच ताँच उचित सब भेलै जाँच में सब उजागर भऽ रहल छै तऽ जे दोषी होता जे भ्रष्टाचारी होते हुनका निश्चित रूपसँ जेल जाहे पड़तनि। अच्छा बाबू सिंह जे छथिन से एकटा पंचायत तक सीमित छलखिन हँ वार्ड लऽ कऽ आइ नगर निगममे 45 वार्ड छै तऽ बाबू सिंह अपन सब जनताके बीचमे केना फेस बनेथिन आ कि जेना एकटा होइए जे चुनाव होइए तऽ डोर टू डोर जा कऽ जनताके बीचमे विश्वास दै छथिन ओकर बाद ओ सब गायब भऽ जाइ छथिन एहिमे बाबू सिंह कतेक जनताके विश्वास देथिन। देखियौ सबसे पहला बात छै कि हमर जे पंचायत छलै ओ टाउनसँ बिल्कुल सटल छलै बुझियौ टाउनेके एकटा हिस्सा छलै एतऽ छुतरीपुर निधि चौकसँ अहाँ उठा लिअ आ पुरवरिया भाग चलि जाउ अहाँ 13 नम्बर गुमती तक इंटायर चक रहल छै एकदम स्टेशनसँ सटल छै टाउनसँ सटल देख रहल छै कोतवाली चौक वगैरह तऽ हमरा सबके पहचानके जरूरत नहि कियाकि एक दोसरसँ पहिलेसँ लगाव छलै नया जे पंचायत जुड़लै 3-4 हमरा सब मुखिया रहियै साथमे सब पंचायतके मुखिया रहथिन वार्ड सदस्यगण रहथिन पंचायत समिति पञ्च सरपञ्च सबसे मुलाकात होइत रहै छलै बैठकके माध्यमसँ आ हमर जे काम होइ छलै से डोर टू डोर मतलब 5 साल कामे करि लेब कहींसँ भी लोग 9 बजे रातिमे 10 बजेमे फोन करत ओतऽ पहुँचै छलिए ओहि समस्याके देखै छलिए तऽ आओर सब भी पंचायतमे जे हमर काम करैके तरीका रहै तऽ अहाँ जे सटल पंचायत रहै ओकर आवाज ओतऽ तक जाइ छै तऽ ई आवाज पहिलेसँ छलै हमरा आ हम सामाजिक काममे सोशल वर्कमे आइसँ नहि मुखियासँ पहिलेसँ भी लागल छी एहिके कारण हमर सब जगहसँ जान पहचान सबसे मिलनाइ जुलनाइ रहै छल चाहे भच्छी होइ सप्ताह होइ राँटी होइ मंगरौनी होइ तऽ आइ ओहिके परिणाम अइ कि हमरा आज परिचय दैके मोहताज नहि छै हमरा लोक फेससँ बाय नेमसँ सब जानि रहल छथि कि हम कई तरहके लोक छी कोन छविके लोक छी हम एहिके कारण हम जाहि जगहपर जा रहल छी लोक हमरा निश्चित रूपसँ एहि पद लागि एकटा वोट लागि डिप्टी मेयरके उपमेयरके जे वोट गिरतै ओहि लागि निश्चित रूपसँ हमरा कहि रहल छै कि मुखियाजी अहाँ निश्चिन्त भऽ जाउ महनजी ई वोट किनको नहि भेटतनि अहाँके सिवा कियाकि अहाँ अइसन चेहरे नहि छै ककरो जे ईमानदारीके चेहरा जे अहाँके काम करैके तरीका अइ लोक अपन विजन लऽ कऽ नहि आबि हमरा लग तऽ विजन लोक 5 साल देखलखिन नहि आ सटल पंचायत सब छै सबसे जुड़ल रहलियै एहि दुआरे हमरा कहींसँ अइसन दिक्कत महसूस नहि भऽ रहल अइ। अच्छा अगर बाबू सिंह डिप्टी मेयरके पद जीतै छथि आ उपमेयर बनै छथि तऽ सिर्फ तीन एहन मुद्दा जे तुरंत ओहि पर काज करनाइ शुरू कऽ देथिन। सबसे पहिले तऽ घर घर पानी पहुँचाबैमे जे व्यवस्थामे कुव्यवस्था भेल छै कहाँ दिक्कत छै ओकरा मिशन मोडमे लऽ कऽ ओकरा चालू करायल जेतै। तेसर कि स्वच्छ मधुबनीके सपना तभी साकार होतै जब हम अहाँके बीचमे ई जागरूक होत कि ई कचराके एहि जगहपर डालल जाय एनी ओनी नहि फेंकाबै जागरूक बनाकऽ जेना हमसब पंचायतमे आम सभा ग्राम सभा वार्ड सभा लगबै छलै ओना हम पंचायत वार्डमे लगबा देबै आ वहाँ खुद उपस्थित रहबै पदाधिकारीगणके साथ अपना कर्मचारीके साथ हमसब आ ओहिके माध्यमसँ खुद जाकऽ हुनका कहबनि कि ई चीजपर अहाँसब फोकस करू नया जुड़लहुँ हँ एकरा सुन्दर आओर स्वच्छ रखू क्लीन सिटी ग्रीन सिटीके सपना तभी साकार होत। तेसर अहाँके कि जे स्वास्थ्यके आओर शिक्षाके जे व्यवस्था छै बहुत सारा यंग सबके अभी आजकल देखै छियनि जे कहीं ना कहीं कुछ कुव्यवस्थामे भटक रहल छै हुनका सबके जागरूक कयल जेतनि कि शिक्षाके प्रति कि अहाँ सब एहि दिशामे काम करू अपन बच्चाके पढ़बैके दिशामे काम करू एहिमे कोनो चीजके अगर हमरा सबसे सहायता अगर अहाँके मुहैया करायल जाय जे कुछ है सरकारके योजना ओहिमे हमसब बढ़ि चढ़ि कऽ आगे भऽ कऽ अहाँके ओहि चीजके मुहैया करब जेना स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड छै आओर सारा सब व्यवस्था छै ओकरासँ हमसब जाकऽ बैंकसँ बात कऽ कऽ अहाँ अप्लाई करू अहाँके लोन दिया पढ़ै लागी बच्चाके भविष्य बनाउ एहिके उद्देश्य पर हमरा सब काम करबै। जनतासँ की कहऽ चाहबै? जनतासँ हम अपील करबै कि अहाँ लग बहुत सारा डिप्टी मेयरके कैंडिडेट एता ओहिमे अहाँ जे अहाँके लायक ईमानदार छविवला छथि जे समझैवला छथि जे अहाँके बातपर खड़ा उतरे 12 बजे रातिमे ओहिसन उम्मीदवारके चयन करू हमरा एकबेर अहाँसब हमर कामके देखैत एकबेर हमरा डिप्टी मेयरके पदपर आबैके मौका दिअ अहाँ सबसे हम आशीर्वाद माँगि रहल छी। हम अहाँके अयलाके बाद हम अपन वादापर खड़ा उतरब 6 महीनाके अन्दर अहाँके रिजल्ट आबि जायत जँ अहाँके नहि बुझायत तऽ जे हिसाबसँ हम पंचायतमे अहाँके वादा कऽ दै छियै तऽ कि अगर अहाँके वादापर हम फिरा नहि उतरब तऽ सब जनै छै कि हमरा हाथमे एक हाथमे ईमानदारीके तोरा जीरो या दोसर हाथमे इस्तीफा जहिया नहि उतरब तहिया इस्तीफा लिखकऽ चलि जायत।
कि मधुबनी जे छै से पहिल बेर नगर निगम में उत्क्रमित भेलै तऽ जनता भी उहे डिप्टी मेयर के चुनता जे हुनकर समस्या छै जे मधुबनी के मुख्य समस्या छै और समस्या के समाधान करथिन ओ हुनके डिप्टी मेयर के रूप में चुनथिन तऽ ई जनता के निर्णय अछि जे किनका डिप्टी मेयर में चुनै छै जेना कि बाबू सिंह कहलखिन जे पंचायत में ओ बहुत एहन मुखिया के पद में रहैत काज केलथि आ अगर डिप्टी मेयर के में हुनका पद मिलै छनि डिप्टी मेयर के तऽ जे रूपे मुखिया के रहैत में ओ काज केलथि ओहिसँ नीक मधुबनी नगर निगम के जेना कि शिक्षा और स्वास्थ्य के सबसे मेन बात कहलथि शिक्षा स्वास्थ्य और स्वच्छ जे बहुत जरूरी छै इंसान के जिंदगी में जे छै ई तीनटा बहुत जरूरी छै जे पर बाबू सिंह कहलथि हम तुरंत ओहि पर काज करब तऽ जनता आब निर्णय लेथिन आ डिप्टी मेयर के रूप में चुनथिन। धन्यवाद।